तो यार आज की वीडियो में ऐसा क्या हुआ कि जब मैं पतंग उड़ा रहा था तो बाबा ने ऊपर आते ही मेरी पतंग फाड़ दी। वो देखने के लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसा आप सभी लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यार कैसा आप सभी लोग? और यार आप लोगों को मेरी तरफ से रमजान मुबारक, रमजान का चांद नजर आ गया माशाल्लाह। और आप लोग मेरे फेस पे कुछ ना कुछ चेंजिंग तो देख रहे होंगे। रियली सॉरी आई एम सॉरी यार, मैं आप लोगों का चैलेंज कम्प्लीट नहीं कर सका क्योंकि आप लोगों को तो पता है जो जो स्कूल में जाते हैं कितनी सख्ती होती है और मेरी क्लास भी नहीं होती। अच्छा इंप्रेशन अगर यार बंदा अच्छी शुरू में अच्छा इंप्रेशन बनाए ना मैडम के सामने तो अच्छा पूरी मतलब ना क्लास अच्छी चली जाती है। तो मैडम ने बस कह दिया मुझे जबरदस्ती जाना पड़ा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। साइड से सिर्फ ट्रिमर बुलवाए, उतने के जरा भी नहीं कटवाए। लेकिन चलो आप लोग मुझे नया चैलेंज सजेस्ट करो यार, ये तो सॉरी आई एम रियली सॉरी कमेंट। और यार मुझे एक बात समझ आती है, लाइक का कहूँ तो सब्सक्राइबर कमेंट भूल जाते हैं, सब्सक्राइबर कमेंट का कहूँ तो लाइक भूल जाते हैं। यार चीजें क्या करो, ये सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब डाल रहा है, ठीक हो गया, गुड हो गया। उसके बाद कमेंट आप लोगों ने नहीं किया, कमेंट कोई भी अच्छा सा कर दो, कोई इमोजी भेज दो यार। बैड न्यूज भी है, वो ये है कि यार अब जाहिर सी बात रमजान शुरू हो गया, अब आप लोगों को भजाई तक नजर नहीं आएगा क्योंकि यार आप लोगों को पता है जैसे ही रमजान स्टार्ट होता है शैतान कैद हो रहा है। ईद वाले दिन इंशाल्लाह कुल नजर आएगा भैया, और ईद वाले दिन भैया रोजा रख लेगा। यार जो लोग चवले वगैरह मारते हो ना, चवले मारना छोड़ दो, रमजान आ चुका है, नमाज पढ़ो, इबादत करो। ठीक है, तो अभी का सीन ये है कि ना अभी ना कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ पे छापा पड़ा पुलिस का, वो बाबा मुझे उड़ाना नहीं देते, लेकिन यार मेरा भी तो दिल करता है, दिल तो करता है ना यार। फिर तो यार अभी का सीन यार बाबा गए हैं कहीं काम से, लेकिन उनको ना काफी टाइम लग जाना है, तो भाग के रखी हुई है फुल। ये देख रही है पतंगे रखी हुई है, एक दो तीन चार पांच, अरे वो उधर पड़ी हुई मरीज मुर्दा हालत में तकरीबन। ठीक है, तो इनमें से ना कुछ ले जाते हैं ऊपर तोड़ाते हैं। या तो गई है वो, देखो भाई दबाव कितनी तेज चल रही है। चलो यार इससे पहले बाबा आ जाए। सब पतंग उड़ चुकी है, और ये यार भाई साहब बड़ा घूमने वाला पतंग है, अभी उड़ा लिया, अभी पेचे से लगाते देते कोई आता है तो फिर ठीक है। ये चेक करो घूमना, ये देना भी, ये ऐसे ऐसे घुमाते हैं, अगर आपको नहीं पता तो कैमरा रखते हैं फिर वीडियो बनाते हैं। चलो लगने लगे जल्दी بعدك والله حيرة لو ادانا سيرة ما ترحم يا ابو فاضل ترى النظرة الأخيرة يا ديرة. A few moments later. तीन बार तो मैं उतार भी चुका, दो तीन बार उड़ा के ये पड़ा पतंग, दो तीन बार उतार चुका हूँ बाबा के डर से। चलो अब फिर उड़ाते हैं। करो ये उड़ा लिया भाई ने, ये रहा, ये हवा चेंज हो रही है यार। अभी तो ये अल्लाह का शुक्र है कि बाबा अभी तक नहीं आए, वरना प्रोग्राम वाले हैं तो उतारने में बड़ी देर लगती थी, बाबा को नजर भी आ जाना था। इसको छोड़ देते हैं, ये लो आप लोगों को नजर आ रहा है या ना आ रहा हो, देखो वो आ रहे पीछे के लिए, और मेरा दिल में पीछा ना लगा, मेरे पर डोर नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं है। तो देखते हैं यार क्या होता है। देख रहे हो गाइस, एक सेकंड, कागज बिल्कुल खाली कर दिया मैंने, पिन्ना ये देख रहे हो, ये पे 50 लाइक आ गए, 60 लाइक आ गए। चलो तो मैं इसको यहीं से इतनी डोर के साथ छोड़ दूंगा, 60 लाइक्स। A few moments later. तो यार यहाँ पे बाबा को पता चल गया था और बाबा ऊपर आए, लेकिन यार इस वीडियो को जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी खराब है क्योंकि ये दूसरे मोबाइल से बनी हुई है। बाद में मर गया भैया, डर गया, ये डर गया ही। चलो आ जाओ,
मेरा तो गेम बजाना पड़े। तो यार अभी आप लोगों ने देख लिया होगा ऊपर क्या हो गया यार, बाबा ने आके पतंग ही फाड़ दी यार, मैं उड़ा रहा था लाइक क्या करें, और बाबा ने आते भाई कुछ नहीं देखो, बाबा ने सीधा पतंग फाड़ दिया यार मेरी। उसके बाद आते ही हमें सिर्फ एक बैड न्यूज मिली, वो यार ये है कि ना हमारी जो फिश थी ना जो हमारे साथ पिछले तकरीबन 7-8 साल से थी, उसकी डेथ हो गई यार। ये देखो यार उल्टी पड़ी है, बाकी सारी तो ठीक है, कोई नहीं यार इस तरह तो होता है, कुल्लू नफ्स ज़ाइकतुल मौत। कोई मसला नहीं यार, अभी सुबह होती है, अभी तो रात हो रही है, फिश पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा मुझे, ये रमजान अभी स्टार्ट, रमजान में ही या रमजान के बाद फिश पे ना फुल तवज्जो देनी है, कोरियन को ना फुल वी आई, जैसे अपने अपने रूम को कर देते ना लाइटिंग वगैरह लगा गेमिंग रूम, इसको भी ना फुल यू नो एक बिल्कुल प्यारा सा कोरियन कर देना है। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, ओके अल्लाह हाफिज। I'm so